तो देखो यार, मेरे ऊपर अभी काफी ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है और मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा था, लेकिन तभी काफी सारी अपडेट निकल के सामने चली आई जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि यहाँ पे MXPR ने अपने ड्रामा के रिलीजिंग डेट को एक्सचेंज कर दिया है। अब ये मुझसे मत पूछना कि ये कैसे हो गया। वाह, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन अगर आपको जाननी है तो मुझे सोजू पिलाइए और साथ में अच्छे अच्छे स्नैक्स भी खिलाइए। नहीं नहीं, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे MXPR ने सिर्फ एक सिंपल सा रीजन बताया है कि वो अपने ड्रामा के हाइप को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि द लाइट इंडिया और आई एक काफी बड़ी हिट ड्रामा है और यहाँ पे इंडिया में लोग नामजुक सुख से काफी ज्यादा कनेक्टेड है, और इसलिए वो अपने ड्रामा की हाइप बनाए रखना चाहता था और इसलिए उसने अपने ड्रामा के रिलीजिंग डेट को एक्सचेंज कर दिया। तो आज हम इस वीडियो में पूरा अप टू डेट जानने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी सारी मेहनत लगती है और बिना सपोर्ट की ये सब काम नहीं हो पाता है। देखो, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है हुआंग द पोर्ट वॉरियर के बारे में। मैंने काफी समय पहले इस ड्रामा के बारे में बताया था कि ये ड्रामा हिंदी लैंग्वेज के साथ जिंग चैनल पे आने वाला है। तो ये ड्रामा अब जिंग चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है और इस ड्रामा को तुम लोग मंडे टू फ्राइडे 2 बजे और शाम को 6 बजे तक देख सकते हो। अगर इस ड्रामा की बेसिक की बात कर ली जाए तो ये ड्रामा 19 दिसंबर 2016 को रिलीज हुआ था और 21 फरवरी 2017 को कम्प्लीट हो गया था। इस ड्रामा में काफी बड़े बड़े कास्ट को लिया गया था, जैसे कि पार्क सियोन जून, पार्क हेयोन सिक, BTS भी, गो आरा, चोई मिन हो और डो जिन हान। देखो, ये लोग काफी बड़े स्टार है और इन लोगों की ड्रामा काफी अच्छी खासी चलती भी है। ऐसे इस ड्रामा को माई ड्रामा लिस्ट पर 8 की रेटिंग मिली हुई है और साथ में इस ड्रामा की जेनर्स रोमांस, कॉमेडी, यूथ और एक्शन है। अगर तुम लोग इस ड्रामा का इंतजार कर रहे थे तो जिंक चैनल पे जाके देख सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग इस ड्रामा को OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के बारे में सोच रहे हो तो इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 से 3 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद ही ये ड्रामा MXPR पे रिलीज होगी। तो अगली अप टू डेट है द लाइट इन योर आई के बारे में। देखो, मैंने इस ड्रामा के बारे में तुम लोग को बताया था कि ये ड्रामा 10 मई को रिलीज होगा, बट MXPR ने इस ड्रामा के रिलीजिंग डेट को एक्सचेंज कर दिया और अब यह ड्रामा 24 मई को MXPR पे रिलीज किया जाएगा। ऐसे इस ड्रामा की बेसिक की बात कर ली जाए तो इस ड्रामा को IMDb पर 7.9/10 की रेटिंग मिली है, तो वही माई ड्रामा लिस्ट पर 8.2/10 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड को 11 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था और इसका फाइनल एपिसोड 19 मार्च 2019 को खत्म हो चुका था। ऐसे इस ड्रामा के करीब 12 एपिसोड देखने को मिलती है और यह ड्रामा रोमांस, लाइफ ड्रामा और मेलो ड्रामा पे बेस्ड है। ऐसे इस ड्रामा में काफी बड़ी बड़ी कास्ट है, जैसे कि हान जी मिन, किम ह्यू जाओ और नामजो ह्यू के। देखो, ये ड्रामा भी काफी बड़ी हिट ड्रामा है, तो इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना और 24 मई तक इंतजार कर लो, क्योंकि उसी दिन ये ड्रामा MXPR पे रिलीज होगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज के साथ। नेक्स्ट अप टू डेट की बात कर ली जाए तो देखो, लीगली रोमांस के बारे में मैंने तुम लोग को बताया था जो कि टाइम ट्रेवलर बेस्ड ड्रामा है और इस ड्रामा को MXPR पे रिलीज कर दिया गया है, तो तुम लोग इसे जाके चेकआउट कर सकते हो और इस ड्रामा के पहले 15 एपिसोड को रिलीज किया गया है, बाकी के एपिसोड वीकली टर्म पे देखने को मिल जाएंगे, तो तब तक इंतजार करके रखना। चौथा अप टू डेट है एनिमेशन के बारे में। अगर तुम लोग एनिमेशन भी देखना पसंद करते हो तो ये न्यूज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, डेमन स्लेयर के सीजन 3 का फर्स्ट 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, तो तुम लोग इसे कंची रोल पर हिंदी लैंग्वेज के साथ देख सकते हो और बाकी के एपिसोड वीकली टर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो ये सब रही कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि निकल के सामने आई थी और मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी तक मत रुको और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलो, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और साथ में खाते पीते मोटाते जरूर रहना।